Good morning, children. How are you all? Good morning, good morning, good morning. How are you? I'm fine. Thank you. आप सोच रहे होंगे आज तो मैम सिंगिंग कर रही है, क्यों? क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक हिंदी कविता। और जब हम कविता गाते हैं तो सिंगिंग तो होती है, तो चलो सुनते हैं। कविता का नाम है चिड़िया का घर। ठीक है, तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। क्या होता है, जब बारिश का मौसम आता है तब पानी गिरता है, और बारिश के मौसम आने से पहले ज्यादातर बर्ड्स, जो भी पक्षी होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वह अपने रहने की व्यवस्था करते हैं या अपना एक घर बना लेते हैं। तो उसमें जब वो बारिश आती है ना, भीगते हैं ना, तब उसमें वो रह सकते हैं। बारिश के मौसम में उनके पास तो अम्ब्रेला या फिर रेनकोट नहीं होता है, तो उन्हें तो ट्री के ऊपर ही रहना पड़ता है ना? तो चलिए सुनते हैं ये कविता। बैठा था एक डाल पे बंदर, भीग रहा पानी के अंदर, थर 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 कांप रहा था, कहां छुपूं ये झांक रहा था। चिड़िया बोली, बंदर मामा, कहा नहीं क्यों तुमने माना, बना नहीं घर, भीग रहे हो, हच हच छींक रहे हो। सुन मामा को गुस्सा आया, चिड़िया का घर तोड़ गिराया। चुचू चुचू चिड़िया रोई, बैठ डाल पर वो भी सोई। क्या हुआ, आप सुनिए कविता। क्या हुआ कि जब चिड़िया ने बंदर मामा को बोला कि आपने घर क्यों नहीं बनाया समय रहते, तो वह गुस्सा होने लगा अपनी गलती मानने की जगह। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? पहली तो ये कि आपको समय रहते अपना काम खत्म कर देना चाहिए। और दूसरी सीख ये मिलती है कि अगर आप तकलीफ में हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को तकलीफ दें। तो अच्छी लगी आपको कविता? आप इसको बार बार सुनिए और सीख जाएंगे आप लोग भी फिर। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नई कविता, नई एक्टिविटी या फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।